ये है क्रॉम्पटन का ओजोन और ये बहुत जबरदस्त एयर कूलर है। आपको अपने एयर थ्रो से परेशान करके रख देगा, लेकिन अगर आपको एयर थ्रो से ज्यादा गर्मी परेशान करती है तो आपके लिए बेस्ट एयर कूलर है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा, जल्दी से आपको इसका ट्रू भी दिखाता हूँ जो आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। दैट्स माई गारंटी टू यू। इसे बंद करके ही बात करते हैं ताकि आप और मैं जरा आराम से बात कर पाए। आपको सबसे पहले क्या जानना है कि इस कूलर को क्रॉम्पटन ने नहीं भेजा, ये रिव्यू यूनिट नहीं है, और क्रॉम्पटन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए। इस बात की मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं। दूसरी बात, अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्रॉम्पटन का ओजोन ले, क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस ले जिसका वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था, या फिर बजाज का कूलर ले जिसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया है, या फिर कोई और कूलर ले, तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन दिखा दिया है, ये वाला। आप उसे देखें और उससे डिसाइड करें कि आपको किस टाइप का कूलर ज्यादा पसंद है। मैं इस कूलर का डेडिकेटेड वीडियो आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं कि मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले आपको मैं इस कूलर की लुक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जल्दी से सुनिए जरा। इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है और ये ABS थर्मोप्लास्टिक का बना है और वे करता है अप्रोक्सीमेटली 15 kgs। इसमें आपको काफी बड़े साइज का एक फैन लगा हुआ मिलेगा और इसके अंदर आपको हनीकॉम पैड्स लगे हुए मिलेंगे तीन तरफ, जो कि एक्चुअली में काफी थिक पैड्स हैं। क्योंकि अगर आपके कूलर के अंदर हनीकॉम पैड्स हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं तो वो जल्दी खराब होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक सीजन लास्ट करेंगे और उससे आपको मजा नहीं आएगा। आपको बहुत थिक हनीकॉम पैड से फायदा ये होगा कि उसमें पानी देर तक स्टे करके आपको ठंडी हवा देर तक देता रहेगा, यानी आपने एक बार टैंक फुल किया तो एक पूरी रात तो गारंटीड चलेगा। आगे आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक वर्टिकल लूवर्स ही स्विंग करेंगी। जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स हैं, उन्हें आपको अपने हाथ से मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बताओ क्या? आपको जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स हैं, उन्हें हाथ से मैन्युअली एडजस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई लीवर नहीं है। यानी अगर एक लीवर होता तो आप उसे पकड़ के ऊपर नीचे कर देते, नहीं, आपको लूवर्स को पकड़ के ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एट टाइम्स। कूलर के ऊपर आपको आइस चेंबर भी देखने को मिलता है और कूलर के निचले हिस्से के अंदर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। मेरे पास इस समय 75 लीटर का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर आपको 88 लीटर का भी एक मॉडल देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छा और स्टर्डी कूलर है। और इस कूलर की स्टर्डीनेस को और ज्यादा बढ़ाते हैं इसके कैस्टर व्हील्स, जिसमें आपको लॉक भी देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको लॉक सिर्फ आगे वाले दो व्हील्स के अंदर मिलेगा, पीछे वाले दो व्हील्स के अंदर नहीं। और दूसरे कूलर्स की तरह इसके अंदर आपको 5 नहीं 4 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं। But that is completely okay, क्योंकि इसका डिजाइन इस तरीके का बनाया गया है कि चार व्हील्स में प्रॉपर स्टेबिलिटी रहती है पूरा पानी भरने के बाद भी। ओजोन के अंदर दो मॉडल्स आते हैं, जिसमें एक में आपको ऑटो फिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी और साथ ही आपको ऑटो ड्रेन फीचर भी देखने को मिलेगा। इस कूलर के अंदर आपको ऑटो फिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसी का एक दूसरा वेरिएंट है, ओजोन रॉयल। उसके अंदर आपको ऑटो फिल के साथ साथ ऑटो ड्रेन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। पहले आपको ऑटो फिल बताता हूँ। आपने इस कूलर को एक पाइप के थ्रू टैप के साथ कनेक्ट किया और टैप ऑन करके छोड़ दिया। जब भी कूलर में पानी कम होगा, ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा और ओवरफ्लो भी नहीं होगा। ये है ऑटो फिल टेक्नोलॉजी, आप ऑटो फिल फीचर कह सकते हैं। लेकिन एक इसका छोटा सा कॉन है, ऑटो फिल फीचर के अंदर जो होल दिया गया है जहां से पानी भरता है, वो बहुत छोटा दिया गया है, जिससे पानी बहुत धीरे धीरे भरेगा। बट दैट इज ओके, क्योंकि एक बार जब पानी पूरा भर गया तो एक ही बार में एक बाल्टी पानी खत्म थोड़ी होगा, वो धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे फिल होता रहेगा। सो इट इज अ गुड फीचर, बट इसमें ऑटो ड्रेन नहीं है। रॉयल में ऑटो ड्रेन भी है। अगर ऑटो ड्रेन नहीं है इस वाले मॉडल के अंदर, तो क्या इसमें ड्रेन नहीं होगा पानी? नहीं नहीं, इसमें एक ड्रेन आउटलेट है और वो कूलर के नीचे दिया गया है, जैसे नॉर्मली किसी भी कूलर के अंदर दिया जाता है, और वो बहुत शानदार तरीके से काम भी करता है। कूलर के आगे आपको दो नॉब कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, एक डेडिकेटेडली फैन स्पीड का है और दूसरा पंप और स्विंग के लिए दिया गया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इस कूलर का है मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आपके एरिया के अंदर आपके आसपास बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, दिस इज द बेस्ट कूलर, क्योंकि इसमें मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से मोटर फूकेगी नहीं और उसे ये टेक्नोलॉजी बचा के रखेगी ताकि आपका कूलर हमेशा चलता रहे। ये एक इन्वर्टर कॉम्पैटिबल कूलर है और क्रॉम्पटन के हिसाब से इसका एयर थ्रो है 52 फीट।
देखो दोस्तों, मेरे पास 50 फुट की लंबी जगह नहीं है कि मैं उसका एयर थ्रो चेक कर सकूं, लेकिन मैं आपको अब इसका यूजर एक्सपीरियंस बताता हूं मेरे पिछले एक महीने का। ये कूलर बहुत ज्यादा जबरदस्त एयर थ्रो के साथ आता है। आप इसे रूम के एक कोने में रखेंगे तो आपको दूसरे कोने तक हवा आएगी ठंडी, गारंटीड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसे इजीली आप एक दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा पानी भरने के बाद भी इसे घुमाते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर ये गिरा तो टूट के खराब हो जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें स्टेबिलिटी की इशू है, देयर इज नो सच इशू इन दिस कूलर। अगर इस कूलर को आपने अप टू 250 स्क्वायर फीट तक के रूम में लगा लिया और आपके रूम के अंदर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है, मान लो एक खिड़की है जिसे आपने खोल के रखा है और आपने 250 स्क्वायर फीट तक के रूम में लगाया, देन गारंटीड आपको ठंड लगवा के छोड़ेगा। आप एयर थ्रो से परेशान होंगे, आप इसे 3 यानी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चला पाएंगे, आप इसे 2 पे करेंगे और तभी चला पाएंगे, बिकॉज इट वर्क सो ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली। इसका जो एक और दूसरा कजन मॉडल है, दैट इज ऑप्टिमस, उसके अंदर भी सेम साइज का फैन यूज हुआ है, सेम मोटर यूज हुई है, सेम पंप यूज हुआ है। सो एसेंशियली मोटर, पंप और फैन तीनों में, दोनों कूलर्स के अंदर बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज द डिजाइन ऑफ द बॉडी और इसके अंदर जो आपको पैड्स का साइज मिलता है उसका डिफरेंस है। मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दिस इज मेंट फॉर स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट रूम्स। आप ऑप्टिमस को ले तब जब आपका बहुत बड़े साइज का रूम है, लेट्स से अबाउट 300 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट, तो वो उस रूम को पूरी तरह से कूल कर देगा। लेकिन ओजोन 250 स्क्वायर फीट तक के रूम को बहुत जबरदस्त चिल्ड कर देगा, दैट इज माय गारंटी। इस कूलर को खरीदने पे क्रॉम्पटन आपको देगा 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 11,000 रुपीस के आसपास। अब आपको बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आप ये खुद डिसाइड करेंगे। एक और चीज करना, डिसाइड तो करना, लेकिन ये वाला वीडियो भी देख लेना, डेजर्ट कूलर का कंपैरिजन है भाइयों। सारे कूलर को कंपेयर करके मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कौन से नंबर पे आता है, क्या पोजिशन दी है, मैंने सब कुछ बताया है, उसे भी देखना। और आपको प्रोज एंड कॉन्स के बाद ये आइडिया पूरी तरह इस वीडियो में भी होने वाला है। इस कूलर को आप बहुत शानदार समझ सकते हैं फॉर 250 स्क्वायर फीट रूम। इसका एयर थ्रो आपको एक्चुअली में परेशान करने वाला है, क्योंकि आपको ये इरिटेट करेगा, इतनी तेज हवा है इसकी। 250 स्क्वायर फीट के रूम को ये आराम से एक घंटे या डेढ़ घंटे में पूरा चिल्ड कर देगा, प्रोवाइडेड उसके अंदर एक अच्छी वेंटिलेशन के लिए विंडो है तो। आप इसे ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू आर लिविंग नियर अ कोस्टल एरिया, इस कूलर से या किसी भी और कूलर से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब यही दूंगा। अब आपको बताता हूं इसके कॉन्स। इसकी बिल्ड क्वालिटी बाय द वे बहुत ज्यादा अच्छी है, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोज ऑफ दिस कूलर। इसका एक कॉन है, वो ही जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, कि आप हॉरिजॉन्टल लूवर्स को मैनुअली एडजस्ट करेंगे तो ही वो सही तरह एडजस्ट होंगी। उसके लिए कोई एक लीवर दिया जाता तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट ज्यादा आसान होती। ये मेरे लिए एक छोटा सा कॉन है, ये आपको एक बार ही एडजस्ट करके छोड़ना पड़ेगा। आप दूसरा कॉन भी कह सकते हैं कि आप जो इसमें ऑटो फिल टेक्नोलॉजी है उसका होल थोड़ा सा छोटा है। ये कौन कईयों के लिए कौन होगा, शायद मेरे लिए बहुत बड़ा कौन नहीं है, क्योंकि एक बार पानी भर जाने के बाद हर 15 मिनट में आधी बाल्टी पानी कम नहीं होगा, थोड़ा सा पानी कम होगा। इसके लिए छोटा सा होल दिया गया है और उस छोटे से होल में उतना पानी आराम से चला जाएगा। सो इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी, बट इसमें ऑटो ड्रेन फीचर नहीं है। वो आपको रॉयल में मिलता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इससे मैं दोनों के लिंक्स आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो अच्छा लगे आप वो लीजिए। मेरे हिसाब से ये कूलर बहुत शानदार है, पर याद रखिएगा आपके रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो लीजिए, और आपका अप टू 250 स्क्वायर फीट का रूम है तो लीजिए, देन इट विल चिल योर रूम। हमेशा की तरह मेरी एक ही गुजारिश रहती है आप सभी लोगों से, कि मैं अपने पैसे लगा के इन प्रोडक्ट्स को खरीदता तो हूँ, लेकिन इसलिए खरीदता हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन कूलर्स पे या इन प्रोडक्ट्स पे लगाएं या नहीं लगाएं। आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए। मुझे कोई डर नहीं है किसी ब्रांड का, कोई स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट नहीं चलाता, सिर्फ आपके भरोसे, ताकि आप मेरे दिए गए अफिलियट लिंक को यूज करके जब अपनी परचेज करेंगे बिना अपने प्राइस को चेंज करे हुए, इस चैनल को आप बहुत ज्यादा मदद करेंगे।
आशा करता हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे अफिलियट लिंक को यूज करेंगे और एयर कूलर लिस्ट जो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ उसे भी यूज करके इस चैनल की हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछने चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में और उसमें ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।